नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में एक नया प्रोग्राम आज बनाकर दिखाएंगे, जिसमें आपको पर्टिकुलर कुछ नंबर्स आप यूज़र से ले सकते हैं और उसके बीच में अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। ये दोनों ही आपको जो है देखने हैं दोस्तों वहाँ पर। और इसको देखने के लिए आपको करना क्या है, ये प्रोग्राम आप वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमने इसका आउटलुक और दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। मैं आपको कोड ब्लॉक पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम को एक बार रन करा के देख लिया है ताकि जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा ना बने। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम पाँचवें नंबर की लाइन बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइज़ मांगा गया है नंबर की लिस्ट का। साइज़ का सेंस सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं यहाँ पे तीन नंबर्स को जो है इनपुट कराऊंगा। तो ये मैंने तीन नंबर ले लिए और ये तीन नंबर साइज़ नाम के वेरिएबल में जो है स्टोर हो जाएंगे और ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर टाइप का। इसी के साथ दोस्तों, अब वो लिस्ट शुरू होगी और वो तीन नंबर जो है सेव करे जाने हैं साइज वेरिएबल में। जब वो आएंगे तो मैं एक लूप चलाऊंगा और क्योंकि तीन बार चलेगा, साइज़ के अंदर तीन वैल्यू आ गई है, ये मैंने दे दी है, तो ये आई ज़ीरो से जो है तीन बार चलेगी। तो दो तक चलने के बाद जैसे ही ये तीसरी कैटेगरी आएगी तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, लेकिन तब तक scanf की मदद से हम एक एरे जो हमने बनाया है, यहाँ से एरे का कंसेप्ट भी शुरू होता है। दोस्तों एरे क्या होता है, अरे सेम जो है आपके डेटा टाइप्स को सेम एलिमेंट्स की एंट्रीज़ करता है और आप अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही एरे में नहीं बना सकते हैं। ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को साथ रखने में, सेव करने में काम आता है, इसलिए एरे का हम यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इसका साइज़ डिक्लेयर कर दिया है 20, तो एरे यहाँ से चलेगा। हाल फिलहाल मुझे यहाँ से जो है दोस्तों तीन बार इसको चलाना है, तीनों बार scanf की मदद से ये यहाँ पर सेव हो जाएंगी वैल्यू। और अब आप नीचे देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि हमने एक हाई के अंदर जो है वैल्यू देना शुरू कर दी है। तो जो भी वैल्यू हमारी A0 की आएगी वो हाई के अंदर जो है स्टोर होने वाली है। इसके बाद हमने लूप चलाया और क्योंकि ये पहली वैल्यू थी, अब हम इसको आई को 1 से चला रहे हैं, साइज तक चलाएंगे, साइज आपका 3 है। अब ये यहाँ से कंपेयर करना शुरू करेगा जो हमने A0 की एक वैल्यू यहाँ दी थी। मान लीजिए मैंने यहाँ दिया था 10, ये मैंने दिया था 10, तो 10 हाई के अंदर स्टोर हो गया है। अब उसे कंपेयर किया, A1 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे, ये यहाँ पर, तो उसको इससे कंपेयर करेगा और अगर वो इससे बड़ी होती है, ये सिंबल देख रहे हो आप ग्रेटर देन का, बड़ी होती है तो वो इसको असाइन हो जाएगी, और नहीं होगी तो ये लूप फिर चलेगा, चेक करेगा। ऐसे चेक करते करते दोस्तों यहाँ पे हमें हाई मिल जाने वाला है और जैसे ही हमें हाई मिल जाएगा हम प्रिंट कर देंगे कि लार्जेस्ट नंबर आपका पर्टिकुलर ये है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दिया, फिर सेकंड नंबर मैंने 20 दिया, इसी तरीके से मैंने तीसरा नंबर जो है यहाँ पे 30 दे दिया, तो 30 जो है मेरा हाई की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट मैं लो लूँगा, फिर मैंने यहाँ पर A0 दे दिया है क्योंकि मैंने ये वेरिएबल हाई और लो इसीलिए लिए हैं क्योंकि मुझे अलग अलग कैटेगराइजेशन करना है। फिर मैंने लूप चलाया, लूप चलेगा, तीन बार लूप चलेगा, फिर ये कंपेयर करेगा। अब वो वैल्यू लो से जो है छोटी होनी चाहिए, तो मान लीजिए 10 आएगी, 10 स्टोर हो जाएगी। 20 आएगी, कंपेयर होगा 10 से तो अभी भी 10 छोटा है। 30 आएगा, 30 कंपेयर होगा 10 से तो अभी भी 10 छोटा है, तो लो के अंदर जो है आपकी वैल्यू आ जाने वाली है 10। इसी के साथ हम इसको जो है यहाँ पर प्रिंट कर देंगे दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, प्रोग्राम को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, इसको कहीं लिख कर देख लीजिएगा। मैं हाल फिलहाल जो है आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था वही एग्जांपल मैं आपको कंसोल विंडो पर देकर जो है समझाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए, हम यहाँ जो लिस्ट मांग रहा है ये, तो मैंने तीन दे दी हैं क्योंकि मुझे तीन वैल्यूज़ को जो है इंसर्ट कराना है। मैंने पहली वैल्यू दी 10, दूसरी वैल्यू दी मैंने 20, तीसरी वैल्यू दी मैंने 30। अब मैं जैसे एंटर करूँगा दोस्तों, तो आप जो लाइन नंबर 18 देख रहे हैं वो चलना शुरू होगी क्योंकि ये तीनों वैल्यू पहले एंट्रीज़ यहाँ पर होंगी और ये जो लूप चल रहा है 11 नंबर की लाइन से लेकर वो चलेगा, हाई को चेक करेगा, फिर इसके बाद जो लूप चलेगा 20 नंबर की लाइन से वो चलेगा और लो को चेक करेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर करा, लार्जेस्ट नंबर आ गया है हमारा 30, इसने यहाँ कंपेयर कर लिया और हाई के अंदर 30 आ गया। स्मॉलेस्ट में ये लूप चला, इसने इसको चेक किया और लो के अंदर जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू को दे सकते हैं इस कोड के बाद। मैं आपको एक और, मान लीजिए 5 नंबर का जो है प्रोग्राम
लिस्ट लेकर समझा देता हूँ। हमने यहाँ दिए 5, अब सीधी सी बात है हमें 5 बार जो है वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्योंकि ये जो साइज नाम का वेरिएबल है ये 5 वैल्यू को अब जो है यहाँ से लेने वाला है। ये देखिए मैंने ले लिया है, मैं जैसे एंटर करूँगा लार्जेस्ट नंबर है हमारा 50, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 10। तो दोस्तों आपको ये समझ आया होगा और ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे आपने आज देखा कि हमने एरे का कंसेप्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया है। एरे के बाद जब हम धीरे धीरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन पर जाएंगे तो आपको उतनी कठिनाई ना हो, इसलिए ये बेसिक से प्रोग्राम्स को आप जो है रोज बनाते चलिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।